गुड इवनिंग एवरीवन वन सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लेक्चर कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में और किस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट है उन दोनों को रिलेट करने का काम करता है राइट right? उन दोनों को रिलेट करने का काम ओम्स लॉ करता है सो so, इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करने जा रहे हैं आज की क्लास में हम लोग तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए सर्किट ऑफ अ टेलीविजन है ना ये आपने देखा होगा ये नहीं देखा होगा तो आपने कंप्यूटर के अंदर की चिप देखी होगी कंप्यूटर के अंदर का मदरबोर्ड देखी होगी इंटीग्रेटेड सर्किट देखा होगा कुछ ना कुछ इस तरीके का कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा आपको आपने दिस इज कॉल्ड अ सर्किट ठीक है सर ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट है ठीक है सिमिलरली हमारे घरों में भी जो हमारे लाइट फैन रेफ्रिजरेटर ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं जो हाई वोल्टेज के अपलायंसेज होते हैं उनके जो सर्किट होते हैं उसको इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज बोलते हैं और जो कम वोल्टेज के होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड मेनी थिंग्स ऑन ऑन दिस इज अके टू मेक ड्रॉइंग ऑफ सर्किट इजी लेट्स अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सिंपल्स बिकॉज वी कुट वी हैव स्टडीड हमने पढ़ा हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन के सिम्बल्स लिखते हैं तो वी कैन नॉट पुट नेम्स एवरीवेयर सो वॉट वी आर डूइंग ओवर हेयर इज वी आर ऑल हेयर ऑल्सो वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स टू रिप्रजेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सर्किट तो बिफोर स्टार्ट मेकिंग सर्किट्स वी नीड टू नो वॉट ऑल इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स आर प्रेजेंट ओके

this button portion this button portion is, is the positive terminal this button portion is the positive terminal and it is represented by this is represented by this button portion is represented by a positive sign which is a bigger line and this negative this negative portion is represented by a smaller line remember that these two lines have different lengths right जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप इनकी लाइन सेम नहीं लेंगे आप इनकी लेंथ सेम नहीं लेंगे ठीक है बात समझ में आ रही है तो कई बार क्या होता है हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में दोनों की बराबर लेंथ ले लेते हैं वो नहीं करेंगे हमें डिलीबरेटली बनाना है एक को बड़ा और एक को छोटा और जो बड़ी वाली साइड होगी उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल देंगे जो छोटी वाली साइड होगी उसको हम नेगेटिव टर्मिनल देंगे ओके नेक्स्ट बैटरी बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स तो जब बहुत सारे सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं बैटरी राइट एंड बैटरी जस्ट वन सेकेंड वाई इज इट नॉट इरेजिंग Just one second. Right. Battery is a collection of cells. So, what we do is we join the negative end, the negative end with a positive and the positive end to a negative this is how we make a battery this is a battery consisting of 3 cells we can make battery consisting of 2 cells okay we can make battery consisting of 4 cells we can make a battery consisting of n number of cells no problem but we always remember that one side would be positive the other side would be negative what will be wrong is this would be wrong this would be wrong why because you completed one cell but you do not have a negative terminal for this so this would be correct if you do it like this then this would be correct what other thing is wrong you do it like this but this is not a battery this is a capacitor so do not do like this one end will be bigger one end would be smaller and howsoever number of cells you connect

हमें पता है ना कि हम सर्किट में स्विच क्यों लगाते हैं सर्किट में स्विच लगाने का मतलब क्या होता है सर्किट में स्विच लगाने का एम क्या होता है जिससे कि हम सर्किट को ऑन ऑफ कर सकें है ना हम किसी भी अप्लायंस को ऑन ऑफ कर सकें सर्किट को ओपन क्लोज कर सकें तो दो तरीके के स्विचेस होते हैं जनरली एक होता है प्लग की और दूसरी तरी, दूसरा होता है टैप की सो दिस इज अ प्लग की जिसमें हम क्या करते हैं एक प्लग इन करते हैं ये जो बीच में आपको ब्लैक पोर्शन दिख रहा है जब हम इसको प्लग इन कर देते हैं इसके अंदर लगा देते हैं तो ये सर्किट क्लोज हो जाता है और करंट फ्लो करने लगता है सर्किट ऑन हो जाता है ठीक है कई बार हम इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज मत होइएगा सर्किट के क्लोज होने का मतलब है कि सर्किट कंप्लीट हो गया सर्किट कंप्लीट हो गया मतलब अब करंट फ्लो करेगा मतलब अब सर्किट ऑन हो गया अब अप्लायंस ऑन हो गया और सर्किट के क्लोज होने का मतलब है कि अब सर, सर्किट के ओपन होने का मतलब ये है कि अब सर्किट इनकम्प्लीट हो गया और अब सर्किट इनकम्प्लीट हो गया इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा राइट right. दूसरी तरीके की की कौन सी होती है दूसरी तरीके की की होती है टैप की टैप की इस तरीके से टैप की जाती है जैसे हमारे घरों में स्विचेस होते हैं हम ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते हैं तो उसे बोलते हैं टैप की जब ये इस तरीके से कनेक्टेड रहेगी तो इट विल बी क्लोज एंड जब ये इस तरीके ये इस तरीके का स्विच राइट right? हम ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते हैं ना तो दिस इज ऑन जब ये है और उसके बाद जब ये इस तरीके से ओपन है इट इज ऑफ है ना हमें पता है हमने ये स्विच देखा हुआ है और दोनों की का फंक्शन सेम ही है आप चाहे टैप की लगाएं चाहे प्लग की लगाएं सर्किट में वो एक जैसा काम करेगी ठीक है अंडरस्टूड ओके okay. तो हम सर्किट बनाए क्यों तो हमारा ये जो अपलायंस है दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस चाहे बल्ब हो चाहे एसी हो फ्रिज हो फैन हो, हो लाइट हो कुछ भी हो दिस इज कॉल्ड रजिस्टेंस अच्छा अब यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व करिए कि इस रेजिस्टर के ऊपर बहुत सारे कलर के कोड्स हैं है ना इस रेजिस्टर के ऊपर बहुत सारे कलर के कोड्स हैं तो ये जो कलर कोडिंग होती है रेजिस्टर की वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हम इसके ऊपर लिख देंगे कि ये दस ओम का रेजिस्टर है या 5 ओम का रेजिस्टर है या पचास ओम का रेजिस्टर है तो जनरली रजिस्टर वगैरह चाइना ताइवान यहाँ पे बनते हैं राइट और इनकी लैंग्वेज अलग होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं पे इंग्लिश बोली जाती है कहीं पे जर्मन कहीं पे फ्रांस कहीं पे हिंदी अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है और सब एक दूसरे की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते भी नहीं है तो यहाँ पे इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट अगर किसी एक लैंग्वेज में लिख दिया जाएगा या फिर रजिस्टर्स अलग अलग लैंग्वेज के लिए बनाने पड़ेंगे अलग अलग जगह चीजें प्रिंट करके दैट विल ऑल्सो बी टी डी एस और दूसरी चीज ये कि रजिस्टर आपको अभी देखने में काफी बड़ा दिख रहा है वैसे ही बहुत छोटा होता है तो इसमें अगर हमें कुछ चीज लिखी हुई पढ़नी भी है तो वो हमें माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के पढ़नी पड़ेगी क्योंकि बहुत छोटा होता है उस पर बहुत महीन लिखा जाएगा बहुत पत, बहुत ही हल्का लिखा हुआ जाएगा तो उससे बेटर क्या होता है उससे बेटर इसके ऊपर रिंग्स डाल देते हैं अलग अलग कलर्स की वो जब आप ट्वेल्थ में आ जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स तो इन रिंग्स का कुछ स्पेसिफिक मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल रेड रिंग का ग्रीन रिंग का ब्लू रिंग का कुछ नंबर होता है

दिस इज अ फिक्स्ड रजिस्टर ओके दिस इज अक्सड रजिस्टर कई बार सर्किट में हमें रेजिस्टेंस वेरी करने की जरूरत पड़ती है तो जब हमें सर्किट में रेजिस्टेंस वेरी करने की जरूरत पड़ती है वहाँ पे वी यूज अ रेजिस्टर। दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल resistor।, resistor. इसमें जो हम अपना सर्किट कनेक्ट करते हैं वो कुछ यहाँ से यहाँ से कनेक्ट करते हैं और यहाँ से कनेक्ट करते हैं यहाँ से तो नहीं आ, और यहाँ से कनेक्ट करते हैं इस जगह से वी कनेक्टेड फ्रॉम हेयर सो so, ये दो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं हमारे तो जब हम इसको स्लाइड करते हैं ना ऊपर इसको ऊपर नीचे इधर आगे पीछे आगे पीछे स्लाइड करते हैं तो जब ये इस एंड के पास पहुंच जाता है जब ये इस एंड के पास पहुंच जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है और जब ये जैसे जैसे हम इसको इधर स्लाइड करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी बात समझ में आ रही है इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो बेसिकली इसको स्लाइड करने से क्या होता है इसको स्लाइड करने से हमारी रेजिस्टेंस चेंज होती है ये एक फिक्स रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती इसकी रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द स्लाइडर अलग अलग पोजीशन पे इसको डाल के हम स्लाइडर की अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग रेजिस्टेंस कर सकते हैं दिस इज़ अ कॉन्टिनस वेरिएबल रजिस्टर या इसको हम रियो भी बोलते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रियो स्टार्ट this is also called that this is also known as a rheostat okay understood इसका सिंबल ये होता है दिस इज द सिंबल हम रेजिस्टेंस में एक लाइन बना देते हैं एक लाइन बनाने से ये हमें ये पता चलता है कि इसको हम अलग अलग जगह वेरी कर सकते हैं एक और का एक और फॉर्म होता है इसमें हम इस तरीके से ऊपर एक लाइन बनाते हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि इसको जब हम इधर इधर से वेरी करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसमें हमें रेजिस्टेंस पता होती है दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसमें हमें रेजिस्टेंस नहीं पता होती अगेन जैसे ये प्लग की और टैप की में कोई फर्क नहीं है हम कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं उसी तरह किसे आप वेरिएबल uh, no okay? अच्छा, आपने देखा है ना पंखे का रेगुलेटर जो होता है अगर मैं उसको एक पे कर दूंगा तो क्या होगा धीमे चलेगा दो पे कर दूंगा तो क्या होगा उससे तो तेज चलेगा ऐसे तीन चार पांच तो उसकी स्पीड चेंज होती रहती है तो एक्चुअल में क्या है जब हम कम नंबर्स पे होते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है जब हम ज्यादा नंबर पे होते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है रेजिस्टेंस चेंज करने की वजह से हमारे पंखे की स्पीड चेंज होती है वॉशिंग मशीन इज अ रेजिस्टर कुकिंग अप्लाइंस दीज मिक्सर जूसर ग्राइंडर्स दीज आर रजिस्टर्स कोई भी चीज़ हमारी लाइट हमारे फैन ए सी रेफ्रिजरेटर सबके सब क्या है रेजिस्टर है तो जहां पे भी आपको ये लगाना पड़ जाए आप वहां पे क्या सिंबल लगा सकते हो इस रेजिस्टेंस का सिंबल लगा सकते हो ठीक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अब हमारे पास तीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं एम मीटर

ठीक है तो आप जो पॉजिटिव साइड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और जो नेगेटिव साइड है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे बात समझ में आ रही है तो इसको पॉजिटिव वाले के साथ इसको नेगेटिव वाले के साथ एम मीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव एंड फिक्स्ड होता है यहाँ से करंट एंटर करता है एम मीटर में और यहाँ से करंट लीव करता है यहाँ पे बीच में ये जो भी लिखा होगा दिस विल बी द यूनिट जिसमें ये करंट मेजर करेगा अगर यहाँ पे ए लिखा है देन इट मेजर्स करेंट इन एम्पियर्स अगर यहाँ पे एम ए लिखा है इट मेजर्स करेंट इन मिली एम्पियर्स अगर यहाँ पे म्यू ए लिखा है इट मेजर्स करेंट इन माइक्रो एम मीटर्स माइक्रो एम्पियर्स एम्पियो एम मीटर होता है वो ये मेजर करता है कि सर्किट में कितन सर्किट में कितना करेंट फ्लो करेगा इट मेजर्स दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोज इन द सर्किट इस तरीके से ये हमारा इसका सिंबल होता है जिसमें हम बीच में ए लिखते हैं और साइड में एक प्लस माइनस का साइन लगाते हैं ये साइन लगाना हमारे लिए कंपलसरी है दिस साइन इज कंपलसरी फॉर एस क्योंकि अगर हम ये साइन नहीं लगाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि करंट किस तरफ से एंटर कर रहा है और किस तरफ से लीव कर रहा है सो दिस साइन इज क्वाइट कंपल्सरी फॉर अस ओके नेक्स्ट दिस इज अ वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर के बीच में यहाँ पे वी लिखा होगा और इसके सिंबल में भी वी और उसके आगे प्लस माइनस लगा होगा अगेन यहाँ पे प्लस और माइनस साइंस ठीक है वोल्ट मीटर का काम होता है हम किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस अगर अपने वोल्ट मीटर को लगा देंगे तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा वोल्ट मीटर मेजर करेगा उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को व्हाट विल बी द डिफरेंस इन पोटेंशियल अक्रॉस दो एम मीटर का काम क्या होता है एम मीटर का काम होता है करंट मेजर करना वोल्ट मीटर का, का काम क्या होता है वोल्ट मीटर का, का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना दो पॉइंट्स के अक्रॉस एम मीटर करेंट मेजर करता है किसी भी ब्रांच में सर्किट के और वोल्ट मीटर किसी दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है एंड थर्ड डिवाइस इज गैलवेनोमीटर गैलवेनोमीटर मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट करेंट फ्लो कर रहा है या नहीं और फ्लो कर रहा है तो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इसमें नीडल बीच में रहती है अगर आपने बाकी दो देखे होंगे तो यहाँ पे देखिए नीडल लेफ्ट में थी और वैल्यू हमेशा राइट right में जाएगी वोल्ट मीटर में भी नीडल लेफ्ट में थी और वैल्यू राइट right में जाएगी लेकिन हमारे गैलवनो मीटर में नीडल बीच में रहती है और अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो ये नीडल ऐसे जाएगी अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो ये नीडल ऐसे जाएगी तो ये और जितना ज्यादा फ्लो करेगा उतनी ज्यादा हमारी नीडल टिल्ट करेगी गैल्वेनोमीटर में ये आप हटा सकते हैं गैल्वेनोमीटर में ये नहीं होता प्लस माइनस का साइन नहीं होता यहाँ पर तो गैल्वेनोमीटर इस किसको किसी भी सेंस में लगाया जा सकता है पर एम मीटर और वोल्ट मीटर और सेल और बैटरी के साथ आपको प्लस और माइनस के साइन लगाने हैं ठीक है आपको इतने सिंबल्स क्लियर हो गए अभी तक जितने भी हमने डिस्कस किया आपको ये सारे सिंबल्स क्लियर हो गए ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिंबल्स हम लोग नेक्स्ट सिंबल की तरफ मूव करते हैं ठीक है दिस इज अ टी जॉइंट जहां पे दो वायर्स कनेक्ट होते हैं जो वायर्स होते हैं जनरली किसके बनते हैं कॉपर वायर्स होते हैं और उसके ऊपर या तो एक रबर या फिर एक क्लॉथ लपेटा हुआ होता है इसके ऊपर रोल्ड होता है सो दैट इंसुलेटेड रहे ठीक है जब हमें जॉइंट बनाना होता है तो पहले हम क्या करते हैं उस क्लॉथ को हटाते हैं वहां से और उसे सैंड पेपर से घिसते हैं उस जगह से जिससे कि अगर कॉपर के ऊपर कुछ ऑक्साइड की लेयर आ गई हो जो कि लेस कंडक्टिव है तो वो रिमूव हो जाए और उसके बाद हम क्या करते हैं उसको कनेक्ट कर देते हैं उसके बाद क्या करते हैं उसको कनेक्ट कर देते हैं अ वायर जॉइंट इस तरीके के जॉइंट है ये हमारे दिस इज वायर क्रॉसिंग मतलब एक वायर दूसरे वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है एक वायर दूसरे वायर ऐसे देखेंगे तो हमें लग रहा है ना कि इसको टच कर रहा है लेकिन एक्चुअल में ये टच नहीं कर रहा है एक्चुअल में ये ऊपर से निकल रहा है तो दिस इज अ वायर क्रॉसिंग अगर दो वायर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं ओके तो दिस इज अ वायर क्रॉसिंग ओके अच्छा दिस इज द सिंबल ऑफ अ बल्ब ये किस चीज का सिंबल है ये सिंबल है बल्ब का ओके okay. तो यहाँ पे ये हमारा एक सिंबल है बल्ब का या फिर हम इसको ऐसे करके ऐसे भी कर देते हैं बल्ब के कुछ और भी सिंबल्स होते हैं इस तरीके से भी हम बल्ब को डिनोट कर सकते हैं लेकिन ये सारे सिंबल्स बल्ब के लिए हमने इसलिए दिए वैसे तो बल्ब भी एक रजिस्टर ही है लेकिन बल्ब के लिए हमने अलग से सिम्बल इसलिए दिए हैं बिकॉज बल्ब बहुत ज्यादा कॉमनली यूज कॉम्पोनेंट है सर्किट में एक टेस्टर की तरह यूज किया जाता है अदरवाइज आपका अगर मन नहीं है इन सब चीजों को करने का तो आप बल्ब को भी इस तरीके से नॉर्मल रजिस्टर की तरह डिनोट कर सकते हैं जैसे आपने पीछे रेजिस्टर्स को डिनोट किए थे ए फ्रिज पंखे जैसे डिनोट होते हैं वैसे ही बल्ब भी डिनोट कर सकते हैं लेकिन बल्ब को हम इस तरीके से जनरली इस तरीके से इस तरीके से डिनोट कर देते हैं ओके अंडरस्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब एन इलेक्ट्रिक बल्ब लुक्स लाइक में कौन से सिंबल्स जो अभी हमने पढ़े हैं वो सारे ड्रॉ करिए अभी जो हम लोगों ने पढ़े थे ठीक है तो ये रहे हमारे सारे के सारे जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी ठीक है अब आप अपनी कॉपी में बनाइए कि कितने आपको याद हैं और कितने याद नहीं है यहां पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद बनाइए ठीक है और उसके बाद चेक कर लेते हैं अलग अलग की नहीं बनाई तो क्रॉस कर दीजिए रेजिस्टेंस में अगर प्लस माइनस बना दिया है तो क्रॉस कर दीजिए बैटरी में अगर कुछ भी गड़बड़ की है मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट नहीं किया या तीन सेल बनाने की जरूरत नहीं है आप दो भी बना सकते हो तीन भी बना सकते हो चार भी बना सकते हो पांच भी बना सकते हो हजार भी बना सकते हो लेकिन एक सेल नहीं बनेगा एक सेल से ज्यादा बनेंगे और इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव पर आएगा के साथ भी positive, लगाना कंपलसरी है वेरिएबल वेरिएबल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नोन वोल्ट मीटर के साथ प्लस माइनस लगाना जरूरी है गैलवेनो मीटर के साथ प्लस माइनस लगाना जरूरी नहीं है ठीक है इनफैक्ट नहीं लगाना यहाँ पे कुछ नहीं होता यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होता ये प्लग की टैप की दोनों ऑन पोजीशन में है प्लग की में बीच में ये डॉट लगाना कंपलसरी है अगर आपने ये डॉट नहीं लगाया तो ये ऑफ मानी जाएगी इसका कनेक्टेड होना जरूरी है अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो ये ऑफ मानी जाएगी वायर जॉइंट इलेक्ट्रिक बल्ब प्लग की ऑफ यहाँ पे डॉट नहीं आएगा बीच में टैप की ऑफ यहाँ पे इनके बीच में सेपरेशन आएगा और वायर क्रॉसिंग ठीक है आई होप आपको ये सारे सिंबल समझ में आ गए हैं हम आगे बढ़ रहे हैं

वाइल कनेक्टिंग सेल्स टू ईच अदर ऑलवेज कनेक्ट अनलाइक टर्मिनल्सर सॉरी एंड मीटर ऑलवेज देर विल्ड माइनस साइन करेंट हमेशा एंटर कहां से करेगा पॉजिटिव वाले की तरफ से और लीव कहां से करेगा नेगेटिव साइड की तरफ से एंटर कहां से करेगा पॉजिटिव साइड से और लीव कहां से करेगा नेगेटिव साइड से फॉर डिवाइस लाइक एम मीटर और वोट मीटर द साइड फ्रॉम विच करेंट एंटर्स

हमेशा उसी ब्रांच में लगेगा जिस ब्रांच में करंट आपको मेजर करना है ठीक है जिस ब्रांच का करंट आपको मेजर करना है मीटर उस ब्रांच में सीरीज में सीरीज़ लगेगा ठीक है सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है ये मैं आपको और डिटेल में बाद में समझाऊंगा लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए सपोज यहाँ पे ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं ठीक है हमारे सपोज यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं मल्टीपल सेल्स भी हो सकते हैं मल्टीपल multiple... ये इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेज हैं सपोज आपको इस ब्रांच में मेजर करना है है ना दिस इज कॉल्ड अ ब्रांच दो जॉइंट्स के बीच की एक चीज को बोलते है, हैं ब्रांच तो यहाँ पे कितनी ब्रांच है यहाँ पे एक ब्रांच ये है एक ब्रांच ये है एक ब्रांच ये है ठीक है इस पूरी ब्रांच में सेम करेंट जाएगा इस पूरी की पूरी ब्रांच में सेम करेंट जाएगा इस पूरी की पूरी ब्रांच में सेम जाए करेंट जाएगा और इस पूरी की पूरी ब्रांच में सेम करेंट जाएगा तो यहाँ पर अगर आप इसकी बात कर रहे हैं ठीक है अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरी की पूरी ब्रांच में सेम करेंट होगा जो भी करेंट होगा सेम वैल्यू होगी यहाँ पे पूरी की पूरी ब्रांच में सेम वैल्यू होगी और यहाँ पे पूरी की पूरी ब्रांच में सेम वैल्यू होगी ओवर हेयर द कंप्लीट ब्रांच वुड तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एम मीटर लगाना है तो आप एम मीटर उस ब्रांच में लगाएंगे सपोज यहाँ पे आप एम मीटर लगाते हैं या यहाँ पे आप एम मीटर लगाते हैं तो यहाँ पे आप एम मीटर लगाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला एम मीटर जो है वो क्या मेजर करेगा वो इस ब्रांच का करेंट मेजर करेगा ये वाला एम मीटर इस ब्रांच का करेंट मेजर करेगा और ये वाला एम मीटर इस ब्रांच का करेंट मेजर करेगा तो हमेशा आपको ये एम मीटर लगाते वक्त पता होना चाहिए कि वो किस ब्रांच में लगना है जैसे कि यहाँ पे ये एक ही ब्रांच है और ये इस ब्रांच का करेंट मेजर करेगा अंडरस्ट एज करेंट इन दर्किट इज नॉट डिवाइडेड एम मीटर इज कनेक्टेड इन दीरीज विद द सेल एम मीटर इज कनेजमेंट सीरीज अरेजमेंट में क्यों लगा होता है आप ये नोट डाउन कर सकते हैं पेपर में पूछा जाता है वाई इज एम मीटर कनेक्टेड इन सीरीज टू द सेल सो दैट सो दैट वी मेजर द वैल्यू ऑफ करेंट इन ये बी नहीं है हमारे सर्किट के अंदर ये सारे मेजरिंग डिवाइस हैं तो इनका सर्किट में होना या ना होना ये बताएगा कि एम मीटर का मतलब इनका सर्किट में होना या ना होना हमारे सर्किट पर कुछ फर्क नहीं डालना चाहिए सिर्फ मेजर करें तो जिस ब्रांच का करंट मेजर कर रहे हैं उस ब्रांच में इसको लगा हुआ होना चाहिए अगर मैं इसको पैरेलल में लगा दूं तो ये उस ब्रांच का करंट मेजर करेगा जिस ब्रांच में ये लगा हुआ होगा उस ब्रांच का नहीं जिसका हमें मेजर करना है ठीक है अच्छा सो इट डज नॉट डिस्टर्ब द करेंट एज वेल एज मेजर्स द करेंट दूसरा आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बहुत कॉमन है ये क्वेश्चन कि एम मीटर की रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए एम मीटर की रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए एम मीटर की रेजिस्टेंस बहुत लो होनी चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पे एम मीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी ना आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है अब ओम्स लॉ पढ़ने के बाद आपको पता है वी इज इक्वल टू आई आर राइट right. आपको पता है वी इज इक्वल टू आई आर तो आपको ये भी पता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर तो मैं जितना ज्यादा सर्किट की रेजिस्टेंस कर दूंगा हमारा करंट उतना कम हो जाएगा तो यहां पे अगर मैंने एम मीटर को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का ले लिया तो हमारे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कम हो जाएगा फिर मैंने आपसे ये क्या कहा था एम मीटर का, का काम सिर्फ करंट को मेजर करना है करंट की वैल्यू चेंज करना नहीं है सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई रेजिस्टर लगा हुआ है सपोज यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है इसको पांच एम्पियर करेंट चाहिए ठीक है एम मीटर नहीं लगाओ या लगाओ फर्क नहीं पड़ता इसको पांच एम्पियर करेंट चाहिए अपना काम करने के लिए तो सिर्फ उसको मेजर करना चाहिए कि इस सर्किट में कितना करेंट फ्लो कर रहा है एम मीटर की वजह से एम मीटर के प्रेजेंस से इसका जो करंट है वो कम नहीं होना चाहिए जैसे कि आपने देखा है ना जो इलेक्ट्रिशियंस एक टेस्टर लेकर आते हैं ठीक है उसमें जो बल्ब होता है वो बहुत ही छोटा होता है अगर वो बल्ब बहुत ज्यादा हो, बड़ा होगा तो वो ग्लो ही नहीं करेगा छोटे से करंट के लिए तो उस टेस्टर का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं इसमें वो बताना ठीक है अगर वो टेस्टर बड़ा ले लेंगे तो और करंट फ्लो कर भी रहा होगा तो भी वो सफिशेंट नहीं होगा कि हमारे उस बल्ब को ग्लो करा पाए बात समझ में आ गई तो एम मीटर के दो चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है एक तो क्या होता है एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है जिससे कि उसी ब्रांच का करंट मेजर करे जिस ब्रांच का करंट उसको मेजर करने के लिए कहा गया है और दूसरा हमेशा इसका इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है? इज़ इज़ वेरी वेरी लेस, लेस। इट हैज़ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ओके इट हैज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस तो इट हैज स्मॉल रेजिस्टेंस ओके नेक्स्ट वोल्ट मीटर हम हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर हम हमेशा दो पॉइंट्स के अक्रॉस सपोज हमें ये रेजिस्टेंस है हमें इस रेजिस्टेंस के पहले और इस रेजिस्टेंस के बाद पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल का क्या मतलब होता है वो इस इस सर्किट में नहीं आएगा हमारे इस सर्किट के पैरेलल इस सर्किट के बाहर जाएगा और वो किस पॉइंट के एक इस पॉइंट के अबाउट और एक इस पॉइंट के अबाउट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वोल्ट मीटर पोटेंशियल मेजर करने के काम नहीं आता पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है सपोज यहाँ पे पोटेंशियल वी ए है यहाँ पे पोटेंशियल वी बी है ठीक है तो वो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा डेल्टा वी मेजर करेगा दैट इज वी ए माइनस वी बी मेजर करेगा बात समझ में आई यस सो नो तो हमारा वट इज द फंक्शन ऑफ वट इज द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर पैरलेल में कनेक्टेड होता है वोल्ट मीटर पैरल में कनेक्टेड होता है और वोल्ट मीटर पैरल में कनेक्टेड होने के साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होती है तो हमने एम मीटर में क्या देखा था हमने एम मीटर में देखा था कि एम मीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है और उसकी जो रेजिस्टेंस होती है इज वेरी लेस। आइडियली जीरो रेजिस्टेंस का एम मीटर होना चाहिए आइडियली जीरो और वोल्ट मीटर में हमने क्या देखा वोल्ट मीटर में हमने देखा कि इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इसकी जो रेजिस्टेंस है इज क्वाइट लार्ज इसकी रेजिस्टेंस क्वाइट लार्ज है आइडियली इनफाइनाइट होनी चाहिए आइडियली इनफाइनाइट क्योंकि हमारे को ये नहीं चाहते हम कि यहाँ से दस एम्पियर करेंट जा रहा है तो अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो दो एम्पियर करंट यहाँ से चला जाएगा सिर्फ आठ एम्पियर करंट ही जाएगा यहाँ से हम नहीं चाहते ऐसा कि हमें हमारे अप्लायंस को दस एम्पियर करंट चाहिए था वोल्ट मीटर लगा के मेजर करने की वजह से उसका दो एम्पियर करंट चला गया तो हम क्या करते हैं इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई बनाते हैं जिससे कि ये अप्रोक्सीमेटली बहुत कम करेंट ड्रॉ करे जिससे कि ये बहुत ज्यादा करेंट इसको मिल जाए तो आप ये याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके रीजन इसके लॉजिक भी याद रखिएगा कि क्यों एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और क्यों इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है क्यों वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और क्यों इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ठीक है अंडरस्टुड यस कमिंग बैक ठीक है और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा हमेशा करंट एंटर कहां से करेगा पॉजिटिव साइड ऑफ एम से और लीव कहां से करेगा नेगेटिव साइड ऑफ एम से एज द करेंट इज डिवाइडेड ओवर हेयर इट इज कनेक्टेड इन पैरल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरल विद द सर्किट ठीक है और सो द करेंट इट अलाउज इज ने और ऑलमोस्ट जीरो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है जिससे कि इसका करंट इसके अक्रॉस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए जीरो हो जाए इसके अक्रॉस कोई करेंट ना जाए यस हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट हाउ इज इट कनेक्टेड इट इज कनेक्टेड इन पैरल तो इसका आंसर क्या होगा हाउ इज इट कनेक्टेड इट इज कनेक्टेड इन पैरल टू द पॉइंट्स So, how is a voltmeter should be connected? Voltmeter should always be connected in parallel to the uh, points at which the potential difference is to be measured. Yes. Next, what happens if ammeter is connected in parallel? So, what will happen? If ammeter is connected in parallel, the resultant resistance will decrease and बिकॉज अभी हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारा फंक्शन है वो अचीव नहीं होगा जिस ब्रांच में हमें करेंट चाहिए उस ब्रांच में करेंट नहीं मिलेगा ठीक है वॉट है सेम काम अगर वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो वो करंट को ब्लॉक कर देगा ठीक है द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बिकम हाई एंड देयर विल बी कंसिडरेबल फॉल इन द करंट इन द सर्किट डस वोल्ट मीटर विल नॉट बी एबल टू गिव द करेक्ट रीडिंग हाउ मेनी मिस्टेक्स आर देयर इन दिस डायग्राम है ना ये एक डायग्राम है आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और बताएं कि इस डायग्राम में क्या क्या मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट करिए एक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट है और खत्म भी पॉजिटिव टर्मिनल पे है एक्चुअल में क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल पे खत्म होता है राइट right? एक्चुअल में ये पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो नेगेटिव टर्मिनल पे खत्म होता है सो दिस इज रॉन्ग ये गलत है तो आपको यहाँ पे या तो इसको हटानी पड़ेगी या फिर इसके साथ एक नेगेटिव लगानी पड़ेगी दूसरी गलती इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है राइट right? तो ऐसी और गलतियां आप आइडेंटिफाई करिए आइडेंटिफाई मोर मिस्टेक्स लाइक दिस एंड देन पॉज द वीडियो एंड देन सी द रिजल्ट्स, ओके सो अगर हम यहाँ पे आगे जाएं तो यहां पे सबसे पहले तो हमने इसको सही कर दिया सबसे पहले तो हमने इसको सही कर दिया एक सेकेंड राइट right. तो सबसे पहले तो हमने इसको करेक्ट कर दिया उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे वोल्ट मीटर सीरीज में लगा हुआ है और यू नीड टू कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरल टू द रेजिस्टेंस एंड एम मीटर इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस तो यहाँ पे क्या होगा एम मीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और वोल्ट मीटर को हमने इसके साथ पैरल में कनेक्ट कर दिया ठीक है एंड देन हमने पॉजिटिव नेगेटिव साइन बना दिया सबके पॉजिटिव नेगेटिव साइन बना दिया ये हमारा रजिस्टर ये अब हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट सर्किट में पैरल में प्लस माइनस हम लगाएंगे और हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पैरल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है सीरीज में एम मीटर लगा हुआ है और बैटरी प्रॉपरली ड्रॉन है बात समझ में आई अंडरस्टुड इज इट क्लियर सो दिस विल बी द एंड ऑफ टूडेज वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज शेयर इट यूअर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द वीडियो सेकेंडली दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए सो दैट आपको रेगुलरली कंटेंट मिलता रहे जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए थैंक यू हैव अ